हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसैनी की स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूं, तो बस आप लोगों के डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हुए आज यहाँ पे मैं सिलेबस लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे सिलेबस क्या है बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का, पीटी मेंस तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा भी क्या होगी, सबके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी देख सकते हैं आप लोग, रात के 1 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरी मेहनत का रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पूरे सिलेबस को देखते हैं। तो लिखित परीक्षा की अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल जो एग्ज़ाम है वो 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा। जैसे दोस्तों, लिखित परीक्षा जो है वो प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा होगी और सभी प्रश्न, जैसे दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, सारे प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल जो अंकों की संख्या होगी वो 200 होगी और टोटल जो प्रश्न है वो 100 होंगे, यानी एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स होंगे। और टोटल जो अवधि है दोस्तों वो 2 घंटे की होगी, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो सिर्फ सामान्य ज्ञान और समसामयिक के मुद्दों से रिलेटेड होंगे, यही दो टॉपिक से प्रश्न होंगे दोस्तों। बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था, तो मैं बता दूं कि बिहार से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जी दोस्तों, यानी आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही लाना है, नहीं तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एग्ज़ाम से। तो आपको 30% से ऊपर ही मार्क्स लाने हैं, बाकी कट ऑफ तो अलग ही होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में जो है वो टोटल 20 गुना, जैसे जितनी भी रिक्ति है, यानी रिक्ति जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों 126 है, तो उसके 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। और आगे उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 2 घंटे समय मिलेंगे। और प्रश्नों की जो संख्या दोस्तों वो 100 होगी, जैसे 100 होगी। और इसमें जो न्यूनतम अर्थांक, जिससे यानी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है ये जो प्रश्न पत्र है, हिंदी का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी 30% मार्क्स आपको सिर्फ लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हिंदी का जो प्रश्न है उसका जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने बोला सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न पत्र दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होगी, जिससे यानी सामान्य अध्ययन का पत्र होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें ये सब सारे टॉपिक होंगे दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रश्नों की जो संख्या दोस्तों वो 100 होगी और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, यानी एक प्रश्न पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी। इस तरह से 2 प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी का होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का जो है दोस्तों वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 30% मार्क्स आपको लाना है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं जो नेगेटिव मार्क्स है वो 0.2 रखा गया है, जिसको यानी प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही जो नेगेटिव मार्क्स है वो 0.2 होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं मुख्य परीक्षा में सेलेक्टेड कैंडिडेट का 6 गुना को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा दोस्तों, यानी 6 गुना को लिया जाएगा दोस्तों। शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर बात करें तो जो मुख्य परीक्षा में सफल होंगे कैंडिडेट, उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे दौड़ होगी, गोला फेंका जाएगा, लंबी और ऊंची कूद भी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पुरुषों के लिए जो है 1 मील का दौड़ होगा और उसमें जो समय है दोस्तों वो 6 मिनट, जैसे 1 मील की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय मिलेगा आपको। वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसे 1 मील के लिए 1 किलोमीटर के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा महिलाओं के लिए। वहीं ऊंची कूद की अगर बात करें दोस्तों, तो पुरुषों के लिए जो ऊंची कूद है वो 4 फीट की होगी और महिलाओं के लिए 3 फुट की ऊंची कूद होगी। आगे बढ़े लंबी कूद की अगर बात करें दोस्तों, तो पुरुषों के लिए जो लंबी कूद है वो 12 फीट, जैसे 12 फीट होगी और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है वो 9 फीट की लंबी कूद होगी।
आगे बढ़े दोस्तों, अगर गोला फेंकने की बात करें तो गोला भी फेंकना होगा, महिला तथा पुरुष दोनों के लिए ही गोला फेंक भी होगा दोस्तों, जिसमें पुरुषों के लिए जो गोला फेंकना है वो 16 पौंड का गोला आपको 16 फुट, जैसे 16 पौंड का गोला 16 फुट फेंकना होगा, वहीं महिलाओं के लिए 12 पौंड का गोला 10 फुट फेंका जाएगा महिलाओं के लिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों, और थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियाँ जो हैं वो आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला सबके लिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल यहाँ पे जो है रिक्तियाँ दी गई बहुत ही कम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल के लिए टोटल 42 सीट हैं, और टोटल जो सीट है दोस्तों वो 126 है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो ओके दोस्तों, तो आज के बस इतना ही, आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल पाएँ, और आगे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।